हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों लोन एप्लीकेशन से चंद दिन पहले भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि लोन एप्लीकेशन की जो रिकवरी है अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी के तावन के साथ हमारी 100 में से 70% हम लोग कामयाब हो चुके हैं। 70% अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीवमेंट हासिल कर ली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर फरमा दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि चंद दिन पहले भी मैं आपको बता चुका था कि आप सभी की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कामयाबी दी है कि लोन एप्लीकेशंस के जो मुकम्मल तौर पे पैसे हैं वो टोटली जितने भी इनकी इन्वेस्टमेंट थी टोटल डूब रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 100 में से 98% मेरे बहन भाई समझ चुके हैं इनके फ्रॉड को, इनकी स्कैमिंग को, इनके तरीके वारदात को मुकम्मल तौर पे जज कर चुके। तो जब दोस्तों इनको सारी चीज़ की सारे मकसद की इनका जो मकसद था जब फ्लॉप हो रहा है, इनको समझ लग चुकी है कि पाकिस्तान में हम अभी काम नहीं कर रहे, दुनिया समझदार हो गई है, दुनिया को पता चल चुका है, तो अभी इन्होंने एक नया तरीका वारदात, कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियोज़ बनाई थी, आज फिर मैं वीडियो बना के सबसे पहले आपको बता दूँ, आज मैं रिकॉर्डिंग भी साथ में अटैच कर देता हूँ। आज सुबह का वाकया, एक मेरे दोस्त को कॉल आई है जो कि इनसे लोन ले चुके हैं, उनको कॉल करके ये खुद ही थानेदार बन गया है, लोन एप्लीकेशन का एजेंट थानेदार बन के उनको कॉल किया, कॉल करके उनको हरास करने की कोशिश की है, वो भी आगे से डट गए हैं। उन्होंने आगे से इनकी वो छतरोल की है ना कि इंशाल्लाह वो भी आगे जाके आपको सुनाता हूँ, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सभी बहन भाइयों के तामन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबियाँ अता फरमाई हैं, कामरानियाँ अता फरमाई हैं। आप सभी से ऐसे ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनकी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इतनी रोकें, इतनी डूबें, इनकी रिकवरीज इतनी रोक दें, स्टॉप कर दें कि ये बिल्कुल घुटनों के बाल आ जाएं, ये दफ़ा खुद हो जाएं, खुद भागने के लिए तैयार हो जाएं। इसी के साथ दोस्तों मैंने चंद आपके सवालात जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात थे तो इंशाल्लाह ताला उनके भी मैं साथ में जवाब दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात हैं उन्हीं के जवाब दूं ताकि एक सवालात के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं 10 से 20 लोगों के सेम सवाल हो और 10 से 20 लोगों की एक सवाल मदद कर सके। दोस्तों सबसे पहले जो मेरे पास सवाल है जब्बार अली हैं, जब्बार अली भाई ने कमेंट किया है, एक ही एप्लीकेशन से 1,20,000 लोन लिया है और इसका रोज़ाना 3,000 फाइन लग रहा है, इसके बारे में बताएं। तो प्यारे भाई देखें, आपने एक ही एप्लीकेशन से बेशक 1,20,000 ले लिया, बेशक आपने 5 लाख ले लिया, मेरा जवाब वही है आपको जैसा कि मैं यार हर वीडियो में आपको बता चुका हूं प्यारे भाई कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड नहीं है। अगर यही पैसे आपने किसी इदारे बैंक से लिए होते तो आप कभी भी इतने पैसे खा नहीं सकते। उन्होंने आपको आप पे कार्रवाई भी करनी थी, उन्होंने आपके खाली चेक भी लेने थे, खाली चेक के ऊपर आपके साइन भी करवाने थे, आपके वैसे भी फॉर्म्स के ऊपर साइन अंगूठे होने थे, एक मुकम्मल जो लीगल तरीकाकार होता है उस तरीके के मुताबिक उन्होंने आपको लोन पेड करना था। जबकि आपने जिनसे लोन लिया ये खुद बड़े फ्रॉडी हैं, ये खुद इतने बड़े ब्लैकमेलर फ्रॉडी हैं, तो आप इनसे थोड़े से आगे निकल गए हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ये तो वो बात हो गई है कि चोरों को मोर पड़ गया है। तो प्यारे भाई ज़हनी तौर पे रिलैक्स रहें, 3,000 छोड़ के ये 10,000 भी डेली लगाते हैं ना तो इनको जूती की नोक पे रखें, बिल्कुल जूती की नोक पे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते, ये जितना सूद लगाते हैं लगाने दे, ठोक के रखो इन्हों बजा के रखो मेरे वीरों, मैं तो नहीं गवाऊंगा। जितना आप लोग इनको
ठोक बजा के रखेंगे ना, जैसे ही ये आपके साथ बिहेव करते हैं वैसा ही सेम आपने करना है। तो जब आप इनकी इन चीजों पे जो है गौर व फिक्र करेंगे, जैसे ये आपसे बिहेव करते हैं वैसा ही आप इनसे बिहेव करेंगे, तो ये खुद ही दफा हो जाएंगे, भाग जाएंगे, हाथ खड़े कर जाएंगे। अपने जो चाइनीज इनके एजेंट हैं, जो मालकान हैं इन यहूदियों के, इनको मुसलमान तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ये मुसलमान होते ये सूद का काम ही नहीं करते। तो इन यहूदियों के जो पीछे माई बाप बैठे हैं, चाइनीज बैठे हैं, तो जब ये हाथ खड़े कर देंगे अपने माई बाप को कि हमसे रिकवरी नहीं होती, ये पाकिस्तानी कौम है आप संभालो, तो वो कैसे ले लेंगे, वो भी नहीं ले सकते। तो वो जब हमारे हत्थे चढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको तो फिर हम बताएंगे ना, पाकिस्तानियों के तो फिर भी हम लिहाज कर जाते हैं। तो जब चाइनीज हमारे सामने आएंगे ना, जब असल यहूदी एजेंट हमारे सामने आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला उसको तबाह इस तरीके से करेंगे ना कि लग पते जाएंगे इंशाल्लाह। ज़हनी तौर पर बेफिक्र रहें, रिलैक्स रहें, कुछ भी ऐसा मामला नहीं है। जितना सूद लगाते लगाने दें, डेली बेस पर एप्लीकेशन खोल के चेक नहीं किया करें, देखा नहीं करें ये क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करने दें, बस इनके नंबर ब्लैक लिस्ट करें। उसके बाद जी प्यारे भाई ज़ाहिद करीम साहब हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा सवाल मेरे भाई ने पूछा है, और शायद ये मेरी कल परसों वाली वीडियो में जैसा जब मैंने बताया आपको कि वफाकी हुकूमत ने इनके खिलाफ सूद माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है, तो आप सभी के मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा, तो आपको जवाब देना मैं बेने बेहतर समझा। ज़ाहिद करीम भाई हैं, वो पूछ रहे हैं 2027 तक अगर लोन ऐप्स चला तो पाकिस्तान का सारा पैसा ले जाएंगे। प्यारे भाई ज़ाहिद करीम भाई, 2027 तक आपने पूरी आप रिसर्च किया करें, रिसर्च कर लें आप थोड़ी सी। मैंने ये बात आपको की थी कि हमारी वफाकी शरई अदालत ने ये हुक्म दिया कि 2027 तक मुकम्मल पाकिस्तान को सूद से बाहर निकालें, सूद से पाक करें, जिसमें हम IMF से कर्जा लेते हैं देते हैं वो भी सूद है। हमारा जितना बैंकिंग नेटवर्क काम कर रहा है ये सारे सूद पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी, जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बंद करवाते करवाते 2-4 साल का अर्सा चाहिए। हमारे पास बैकअप पे इतना सरमाया भी नहीं पड़ा हुआ मेरे प्यारे भाई, आप लोग सभी बातों को समझते हैं। आप खुद सोचें कि हमारे मुल्क में इतना पैसा है कि हम लोग बैठ के या हम लोग काम नहीं करें या हम लोग कोई भी चीज़ को बंद कर दें तो हम कैसे अपने मुल्क को चलाएंगे, कभी भी नहीं चला सकते, हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। तो हमारी जो वफाकी शरई अदालत है उन्होंने 4-5 साल का टाइम इसलिए दिया है कि आप एक एक स्टेप वाइज करके पहले आप बैंकिंग नेटवर्क को सूद से पाक करें, उसके बाद आप लोन एप्लीकेशंस को भी उड़ा दें, उसके बाद कोई और पाकिस्तान में गांव में या सिटीज़ में कोई भी बंदा सूद माफिया काम कर रहा है उनको भी उड़ा दें, सबसे पहले पाकिस्तान को पाक करें, पाकिस्तान को पाक करने से पहले। और ये जो काम है इंशाल्लाह जो 2023 है, 2023 में इंशाल्लाह हमारी जो वफाकी हुकूमत इन्होंने क्लियर करना है, इन्होंने बयान ना दिए हैं कि 2023 के अंदर अंदर इन चीज़ों को हम पाकिस्तान से पाक कर देंगे, मगर एक चीज़ रह जाएगी IMF, जिनसे हम इंटरनेशनल सतह पे कर्जा ले रहे हैं, ठीक है जी। तो IMF का जो मामला है वो इंशाल्लाह ताला उन्होंने हुक्म दिया कि 2027 तक बेशक आप पाकिस्तानी कौम से पैसा लें, बेशक अपना सरमाया जमा करें, जो भी करना करें, लेकिन 2027 तक ना ही बैरूनी ना ही अपना मुल्क का किसी भी तरह का कोई भी सूद का निज़ाम नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सूद से पाक हो नज़र आना चाहिए और होना चाहिए। ये जो बयानात हैं हमारी वफाकी शरई अदालत ने दिए हैं, इसमें ये नहीं है कि 2027 तक लोन एप्लीकेशन चलेंगी। मैं इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से हम वीडियोस बना रहे हैं, डेली रेगुलर हम वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर अंदर आपको हमारी कुछ हाई सतह पे इंशाल्लाह ताला मीटिंग्स भी नज़र आएंगी, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा ज़रूर मैं होती हुई। तो इंशाल्लाह चंद दिनों या चंद दिन ही हैं, महीने भी नहीं कह सकते, चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएंगी ये एप्लीकेशन की, दबरदोश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको नज़र आ रही होंगी बातें कि जो जो है लोन एप्लीकेशंस ऐसा ऐसा भी काम कर रही हैं, पहले लोगों को हरास करते हैं, FIA से बात कर रहे हैं, नादरा से कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन से कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है कि जितने पैसे लिए हैं वही दे दो, ज़्यादा नहीं देने ना दो, जो लिए हैं कम अज़ कम वो तो दे दो, हम रिकवरी करें, रिकवरी करके निकल जाएँ इधर से। तो आपने बस अभी इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ये भागने वाले हैं, इसलिए ये दबाव डाल रहे हैं, सारे मामलात का तय कर रहे हैं कि हमारे पैसे निकल आए। तो इनके पैसे नहीं आपने देने, मस्जिद को दे दे, गरीब को दे दे, मस्कीन को दे दे, लेकिन इन हरामखोर और सूदखोर माफिया को एक रुपया भी नहीं दीजिए। उसके बाद है जी मेरे पास सवाल आया, मेर नबील साहब है, मेर नबील साहब पूछ रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, मैंने कॉन्टेक्ट डिलीट करने के लिए आपकी बताई ट्रिक लगाई, अभी मैं दोबारा इजी लोन ऑन किया, अब ऐसा शो हो रहा है ऐप पर जैसे न्यू अकाउंट होता है,
कुछ भी शो नहीं कर रहा, लोग इन नंबर लगा कर भी। तो प्यारे भाई देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं को अपने मुंह से खुद मियाँ मिठू नहीं भर रहा, लेकिन ये दिल के राज जो होते हैं ना यार, ये अल्लाह ही जानता है। प्यारे भाई मैं आप सबसे मुखलस हूँ, खालिस हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मैंने आपसे कभी भी व्यूज़ का लालच नहीं रखा, लाइक्स का लालच नहीं रखा। मैं जितनी जद्दोजहद कर रहा हूँ आपके लिए मन से दिल लगा के कर रहा हूँ। आगे कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है, अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं, तो कामयाबी भी अल्लाह पाक ने ही हमें देनी है। तो मैंने जितनी जोगा मैं था, जो मैं कर सकता था मैंने आपके लिए किया, आपको रियलिटी भी बताई, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से जो मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने वाला मेथड बताया अकेले आप नहीं प्यारे भाई, नबील साहब, इसके अलावा हज़ारों हमारी बहन भाई बहनें भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिन्होंने फ़ायदा हासिल किया है। तो जैसा कि मैंने ये देख लिया, अभी मैं कमेंट भी इंशाल्लाह इधर लगा देता हूँ, तो आप देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं वीडियोस बना चुका हूँ उस पर काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी आए हैं, लेकिन मैंने उनको फेस किया है। कोई इशू वाली बात नहीं यार, खुश रहें। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं तो शायद वो इन्हीं के एजेंट होते हैं। जो मैंने, अगर अभी तक आपने मेरी वो कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट वाली वीडियो नहीं देखी, तो आज इंशाल्लाह उसका लिंक मैं लगा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपने उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख के अगर अभी तक आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट नहीं की, तो आपने अपनी जीमेल को मुकम्मल प्रोटेक्ट करके कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर देनी है। इसके साथ प्यारे भाई आपका जो डाटा शो नहीं हो रहा, वो ज़ाहरी बात है कि आई क्लाउड से मुकम्मल आपका डाटा उड़ गया, ख़त्म हो चुका है। इस वजह से आपका डाटा शो आगे से नहीं हो रहा। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये 100% वर्किंग मेथड है, इसको करने के बाद आप दोबारा बार बार चेक नहीं किया करें कि हमारी एप्लीकेशन पे क्या शो हो रहा है, कैसे शो हो रहा है। जब आप बार बार इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को चेक करेंगे, तो वो किसी भी वक्त आपके मोबाइल का दोबारा फिर एक्सेस ले सकते हैं, दोबारा फिर आपका डाटा चोरी कर सकते हैं। इन चीज़ों से बचिए। एक दफ़ा जब आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं या अपने एक्सेस डिनाइड कर देते हैं, तो उसके बाद ऐसी गलती कभी भी ना करिएगा कि जिससे हमें दोबारा परेशानी का सामना करना पड़े। आप बिल्कुल प्यारे भाई बेफिक्र रहें, आपका डाटा ख़त्म हो चुका है इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट टाइम आपको किसी भी तरह से ये तंग या परेशान नहीं कर सकते। इसी के साथ दोस्तों, जिन दोस्तों ने आपकी तसल्ली के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, जिन दोस्तों ने डाटा रिमूव करके अल्हम्दुलिल्लाह जो सुर्ख रुख हो चुके हैं, वो जिन बहन भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किए हैं कि मंजर भाई हम बिल्कुल पुरसकून हो गए हैं, हमारा डाटा ख़त्म हो चुका है, उनमें से एक की रिकॉर्डिंग उठा के इंशाल्लाह मैं आज वीडियो में लगा देता हूँ शॉर्ट सी, ताकि आपको पता चल सके, आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी काम कर रहा हूँ रियल काम कर रहा हूँ, गलत काम मैंने आज तक नहीं किया। ऐसे व्यूज़, ऐसी इनकम अल्लाह पाक किसी को भी ना दें, ख़ासतौर पर मुसलमानों में, कि जो झूठ बोल के या झूठ का सहारा ले के कमाई जाए। अल्लाह पाक अपनी इज्जत से दें, और ऐसी इज्जत दें कि जिसमें रियलिटी हो, सच्चाई हो। तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ हूँ, जितनी जोगा मैं इंशाल्लाह हूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए करता रहूँगा। आपको एक शॉर्ट सी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, उसके बाद आपसे जो है इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह ताला, तो वो सुनिएगा। अस्सलामुअलैकुम सर। मंजर भाई वो वीडियो तो मैं आपकी रोज़ सुनता हूँ, बड़ा हौसला मिला है। मकसूद अहमद मैं बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो इधर आपको सुबह मैंने मैसेज किया था, लेकिन मुझे आपने हौसला बहुत दिया कि ऐसे मैसेज इग्नोर करो, टेंशन नहीं लेनी। अभी फिर उस नुमाइंदे की बात आई है, तो मिनते कर रहा है वो कि वो बोलता है, पहले बोलते थे कि दिन भर है ना आपके ऊपर लगेगा, चार्जेस लगेंगे, लेकिन अभी मिनते कर रहा है कि जो पेमेंट असल हमने दी हुई ना वो वापस कर दो। वो बड़ी मिनते कर रहा था, तो कल मैसेज उसने किया, बड़ा डरा धमका रहा था मुझे। वो सुन लिया दोस्तों। सुनने के बाद आप इस मैसेज को ज़रा आप गौर से देखिएगा। ये भी भाई ने मुझे आज ही दुआएं आपकी, भाई आज ड्यू डेट थी, उनकी कॉल नहीं आई मुझे, ना घर में मुझे क्यों नहीं आई। तो आप खुद ही सोच लें, इनकी भी हमने डाटा मुकम्मल डिलीट करवा दिया था ड्यू डेट से पहले पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों आज मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा जिसमें मैंने मुकम्मल डाटा रिमूविंग का बताया। अगर अभी तक आपने, आपकी ड्यू डेट आने वाली या नहीं गुजरी, या आपने एक्सटेंड मनी के पैसे इनको नहीं दिए, तो आप जल्दी से जाके वो वीडियो देख के अपना डाटा डिलीट कर लें, और इंशाल्लाह ताला आपका डाटा मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मंजर व्लॉग्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।